अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर 42 है 10th बायोलॉजी का। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था मैन एंड एनवायरनमेंट। इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लो ऑफ मटेरियल एनर्जी इन द इकोसिस्टम। लास्ट टाइम जो लेक्चर आपने स्टडी किया था वो था बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स। मतलब इसमें एनवायरनमेंट के अंदर दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। मतलब बायोटिक में आप पढ़ते हैं कि इसमें लिविंग कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, प्रोड्यूसर आ जाते हैं, कंज्यूमर्स हैं, डिकम्पोजर्स हैं, और ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली हैं। आज हमने देखना है कि फ्लो ऑफ मटीरियल एंड एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। बच्चों, कोई भी इकोसिस्टम जब आप स्टडी करते हैं, आपका चैप्टर का नाम यही है कि मैन एंड हिज एनवायरनमेंट, कि आपने मैन का इम्पैक्ट देखना है उसके एनवायरनमेंट के ऊपर। तो यहाँ पे जब आप इकोसिस्टम को स्टडी करते हैं तो इकोसिस्टम के अंदर जब आप मैन का रोल देख रहे हैं तो आपको पता है कि जब आप बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि प्रोड्यूसर्स को एनर्जी चाहिए, ठीक है। वो एनर्जी कहाँ से आती है आप देखें कि अगर फर्ज करें हम प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं तो प्रोड्यूसर्स आपके पास प्लांट्स हैं। प्लांट्स अगर एनर्जी ले रहे हैं तो वो कोई मटेरियल की फॉर्मेशन कर रहे हैं, वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, उसके बाय प्रोडक्ट्स में उसका ग्लूकोज बन रहा है। ये चीजें क्या है, उसका मटेरियल है। आप देखें कि आपने इस टॉपिक का जो आपका आज का टॉपिक है इसमें आपने देखना है कि इकोसिस्टम के अंदर जो एनर्जी है और उसके साथ जो आपका मटेरियल है, दो चीजें, एक एनर्जी दूसरी चीज मटेरियल, ये दोनों चीजें जो है ये कैसे फ्लो करती है। बच्चों, जो बेसिक चीज है वो आप यहाँ पे देखें, मैं कह रही हूँ कि आपके पास दो चीजें, एक है एनर्जी, दूसरी चीज है आपके पास मटेरियल, ठीक है। एक एनर्जी, दूसरी चीज है मटेरियल। एनर्जी आप कहते हैं कि जो मेन पॉइंट है वो ये है कि एनर्जी और मटेरियल दोनों इकोसिस्टम के अंदर कैसे यूज होते हैं। इकोसिस्टम मतलब आपका एनवायरमेंट। जैसे अभी आप कहते हैं कि हमारा क्लासरूम, ठीक है, इस क्लासरूम के अंदर आपने देखना है कि एनर्जी कैसे फ्लो कर रही है और आपका मटेरियल कैसे है, ठीक है। हम एक क्लोज सिस्टम ले रहे हैं। अब जो साइंटिस्ट कहते हैं वो कहते हैं कि एनर्जी जो चीज है, एनर्जी जो है ये अगर एनवायरनमेंट के अंदर एक दफा आती है तो ये दोबारा यूज नहीं होती, ठीक है। आप इसकी रिसाइकलिंग नहीं कर सकते, ठीक है। जो एनर्जी है उसकी रिसाइकलिंग नहीं कर सकते, जो आपके पास मटेरियल है इसकी रिसाइकलिंग बार बार होती रहती है। मटेरियल को आप बार बार एनवायरनमेंट के अंदर यूज करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें कि अगर आप कहते हैं इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि एनर्जी जो है ये एक ओपन सिस्टम है और जो मटेरियल है ये एक क्लोज सिस्टम है। कि अगर कोई एनवायरनमेंट है, फर्ज करें कि हम कह रहे हैं कि हमारा क्लासरूम है, यहाँ पे अगर एक दफा कोई एनर्जी आप इंटर करते हैं तो वो एनर्जी जब एक दफा आप यूज कर लेते हैं तो दोबारा आप उस एनर्जी को यूज नहीं करते, ठीक है। वो एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। वो अगर आप सनलाइट की बात करते हैं तो सोलर एनर्जी आ रही है, उसको आप केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर करते हैं, देन वो हीट एनर्जी के फॉर्म में आपके एनवायरनमेंट में लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। जब आप मटेरियल की बात करते हैं तो मटेरियल आपके पास लॉस नहीं होता, वो आपके पास आपकी बॉडी के अंदर या आपके एनवायरनमेंट के अंदर, आपके इकोसिस्टम के अंदर वो स्टोर रहता है, आप उसकी बार बार रिसाइकलिंग करते रहते हैं, ठीक है। इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जब बायोस्फीयर की आप बात करते हैं, आप एनवायरनमेंट की बात करते हैं, पूरी नेचर की बात करते हैं, अपने अर्थ की बात कर रहे हैं, तो उसमें आप कहते हैं कि जो एनर्जी है वो नॉन साइक्लिक प्रोसेस है, नॉन साइक्लिक तौर पे एनवायरनमेंट के अंदर फ्लो करती है। जो मटीरियल है वो साइक्लिक वे में एनवायरनमेंट के अंदर फ्लो करता है, ठीक है। इसके लिए आप यहाँ पे पॉइंट देखते हैं कि आप कंपेयर करें एनर्जी के फ्लो को विद द इसके साथ मटीरियल के फ्लो के साथ, के दोनों को कंपेयर करें। कि आप कहते हैं कि यहाँ पे कंपैरिजन में देखें कि एनर्जी कैसे फ्लो करती है, कंपैरिजन में देखें एनर्जी कैसे फ्लो करती है और आपका मटेरियल कैसे फ्लो करता है। मैं यहाँ पे पहले आपको बताती हूँ फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी कैसे फ्लो करती है। बच्चे यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं प्रोड्यूसर की, ठीक है। प्रोड्यूसर की एग्जाम्पल, ये प्रोड्यूसर में आपको पता है कि आपके पास कौन सी चीज आ जाती है, प्लांट्स आ जाते हैं, ठीक है। अब प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स करते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। प्लांट फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं, यहाँ पे बात गौर से सुनिए, आपको समझ आ जाएगी कि फ्लो ऑफ एनर्जी और फ्लो ऑफ मटेरियल दोनों क्या चीजें हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस करते हैं, आपको पता है फोटोसिंथेसिस के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कौन सी चीज चाहिए, वाटर चाहिए, और इसके साथ आपको चीज चाहिए जिसको आप कहते हैं सनलाइट या सोलर एनर्जी। यहाँ पे बच्चों गौर से देखें, आपके पास ये जो सनलाइट है ये मैं इसको कह रही हूँ ये क्या चीज है, ये आपके पास है सोलर एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी आ गई आपके पास,
इस एनर्जी को देखें कि इस एनर्जी को यूज करके आप क्या बनाते हैं, सोलर एनर्जी को यूज करके आप ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवा रहे हैं, मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप एक केमिकल प्रोसेस कर रहे हैं। सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। अच्छा, ये सोलर एनर्जी यूज हो गई किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, केमिकल एनर्जी के अंदर। अब ये जो केमिकल एनर्जी है ये आपके पास ग्लूकोज स्टोर नहीं रहता, जब ग्लूकोज टूटता है तो आपको एनर्जी मिलती है, जहां पे जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में लॉस्ट हो जाती है, हीट की फॉर्म में। अब जो एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस्ट हो जाती है, अब आप उस एनर्जी को दोबारा से रिसाइकलिंग उस एनर्जी की नहीं कर सकते, उस एनर्जी को आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। इस तरह से आप कहते हैं कि जब एनर्जी इकोसिस्टम के अंदर एक दफा इंटर होती है तो एक पॉइंट से कन्वर्ट होकर दूसरे पॉइंट में चली जाती है, मतलब सोलर एनर्जी कन्वर्ट होकर केमिकल एनर्जी में आ गई, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होकर हीट में जाती है, जब हीट की फॉर्म में चीज चली जाती है तो वो लॉस्ट हो जाती है, आप दोबारा उस एनर्जी को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे बात समझ में आ गई, यहाँ पे फ्लो ऑफ एनर्जी। अब दूसरी चीज है आपके पास फ्लो ऑफ मटीरियल। इस पॉइंट के बेस पे आप कहते हैं कि फ्लो ऑफ एनर्जी जो है ये एक नॉन साइक्लिक प्रोसेस है। अब दूसरी बात है यहाँ पे फ्लो ऑफ मटेरियल। फ्लो ऑफ मटेरियल क्या चीज है कि जैसे आपने सोलर एनर्जी को देखा, इसी तरह देखें कि हमारी बॉडी के अंदर मटेरियल्स हैं। जैसे आप प्लांट्स की बात करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मटेरियल स्टोर्ड फॉर्म में रहता है। जैसे हम कहते हैं कि हम क्या रहे हैं, प्रोटीन्स ले रहे हैं, हम कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, हम एनर्जी ले रहे हैं। अब एनर्जी के साथ साथ कुछ मटेरियल भी, मतलब हम कैल्शियम को डिपॉजिट कर रहे हैं, हम पोटाशियम ले रहे हैं, हम बेशुमार मटेरियल को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर रहे हैं। जब हमारा हम लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं, ठीक है, डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म की ब्रेकडाउन करवाते हैं। जैसे हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर मटेरियल क्या होता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है, जो मटेरियल उसने यूज किया, मतलब जब हम कैल्शियम लेते हैं तो कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। पोटाशियम लिया, मैग्नीशियम लिया, कुछ भी लिया, आयरन लिया, वो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। जब स्टोर फॉर्म में चला गया ऑर्गेनिज्म, ये जो था ये डेड हो गया। ठीक है, आफ्टर डेथ क्या होता है, यहाँ पे इस डेड बॉडी के ऊपर कुछ चीज आ जाती है, डिकम्पोजर्स आ जाते हैं। अब जो डिकम्पोजर्स का क्या काम है, डिकम्पोजर्स ने इस डेड बॉडी की ब्रेकडाउन करवानी है। जब ये डिकम्पोजर इस डेड बॉडी की डिकम्पोजिशन करेंगे तो इसकी डेड बॉडी से जितना भी आपके पास स्टोर्ड मटेरियल होगा, कैल्शियम था, मैग्नीशियम था, आयरन था, वो सारे का सारा किधर चला जाता है, डिकम्पोजर उसको किधर भेज देते हैं, सॉइल के अंदर भेज देते हैं। तो मतलब जब सॉइल के अंदर भेज दिया, आप इस सॉइल के अंदर नेक्स्ट कोई प्रोड्यूसर की ग्रोथ करवाते हैं तो वो सारे का सारा मटेरियल कहाँ पे चला जाएगा, प्रोड्यूसर के अंदर चला जाएगा। नेक्स्ट इन प्रोड्यूसर को कौन खाएगा, आपके पास कंज्यूमर खाएंगे। तो आप यहाँ पे देखें ये मटेरियल दोबारा से आपके ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर एंटर होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे देखें जब कंज्यूमर की बॉडी के अंदर आ गया, कंज्यूमर दोबारा से डेड होंगे, दोबारा इसकी बॉडी के ऊपर डिकम्पोजर आएंगे, दोबारा से ये मटेरियल एनवायरमेंट के अंदर जाएगा, सॉइल के अंदर जाएगा, सॉइल के अंदर दोबारा से आप प्रोड्यूसर को ग्रो करवाएंगे। इसी तरह ये मटेरियल बार बार रिसाइकल होता रहता है, इसलिए आप कहते हैं फ्लो ऑफ मटेरियल जो है ये एक साइक्लिक वे है, फ्लो ऑफ एनर्जी एक नॉन साइक्लिक वे है। समझ आ गई बात की। यहाँ पे देखें कि आपकी बुक के ऊपर भी एक स्केच बना हुआ है, आप उसको भी चेक कर लें। आप देखें कि फ्लो ऑफ एनर्जी की जब आप करते हैं बात, सनलाइट से आपके पास कौन सी चीज आ रही है, सन से सोलर एनर्जी आती है। इस सोलर एनर्जी को कौन यूज करता है, प्रोड्यूसर्स यूज करते हैं। इन प्रोड्यूसर्स को कौन खाएगा, कंज्यूमर्स खाएंगे। अब ये एनर्जी दोबारा से जब कंज्यूमर्स ले लेते हैं तो ये हीट की फॉर्म में बॉडी से रिमूव हो जाती है। ठीक है, आप इस एनर्जी को दोबारा से यूज नहीं कर सकते। जब कंज्यूमर में आप मटेरियल की बात करते हैं तो कंज्यूमर्स की जब ब्रेकडाउन होती है तो ये मटेरियल दोबारा से कहाँ पे चले जाते हैं, सॉइल के अंदर चले जाते हैं। सॉइल में आप दोबारा से ये प्रोड्यूसर की फॉर्मेशन करवाएं तो मटेरियल आपके पास साइक्लिक वे में फ्लो करता है, जो एनर्जी है वो नॉन साइक्लिक वे में फ्लो करती है। ठीक है, इस हिसाब से आपके पास आप यहाँ से आपके पास क्वेश्चन बन सकते हैं कि ट्रॉपिक लेवल्स क्या चीजें हैं। ट्रॉपिक लेवल आप कहते हैं कि पोजीशंस हैं मटेरियल को ट्रांसफर करने के, एनर्जी और मटेरियल को जब आप ट्रांसफर करते हैं तो ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। आप प्रोड्यूसर को कह रहे हैं, कंज्यूमर को कह रहे हैं, डिकम्पोजर को कह रहे हैं, मतलब स्टेप वाइज आप इन चीजों को कहते हैं कि जो एनर्जी और मटेरियल को यूज कर रहे हैं वो आप ट्रॉपिक लेवल्स कहते हैं। अब ये यहाँ पे कंपैरिजन भी बनता है कि आप बताएं कि एनर्जी के फ्लो में, फ्लो ऑफ एनर्जी और फ्लो ऑफ मटेरियल में क्या कंपैरिजन है। ये यहाँ पे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आप उन क्वेश्चंस को भी देख लें और साथ इसमें क्वेश्चन एमसीक्यू भी पूछे जा सकते हैं कि कौन सा सिस्टम जो है एनर्जी का, कौन सा सिस्टम है
और मटेरियल का कौन सा सिस्टम है, एनर्जी का कहते हैं कि ओपन सिस्टम है, एनर्जी नॉन साइक्लिक वे में फ्लो करती है और जो मटेरियल है वो साइक्लिक वे में फ्लो करता है, इसलिए आप उसको क्लोज सिस्टम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आज का टॉपिक आपका एंड होता है फ्लो ऑफ मटेरियल एंड एनर्जी इन इकोसिस्टम। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे फूड चेन एंड फूड वेब क्या होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।